नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैं आपको मिर्च मसाला बनाना बताई हूँ, और उसके बाद मैं आपको आज भरुहा मसाला बना के दिखा रही हूँ, बता रही हूँ। तो सबसे पहले आप भरुहा मसाला जो बनेगा उसका मसाला देख लीजिए। ये जीरा है 100 ग्राम, ये धनिया है 100 ग्राम, ये सौंफ है 100 ग्राम, और ये मेथी है जो कि 25 ग्राम है। मेथी हम ज़्यादा नहीं डालते। और ये करायल है, मंगरेल कहीं कहीं बोलते हैं, करायल बोलते हैं, कलौंजी भी बोलते हैं इसको, और 25 ग्राम है ये। और ये अजवाइन है 25 ग्राम, जो कि हम ठंड के हिसाब से डाल रहे हैं, गर्मियों में इसको नहीं डालते हैं। आप अगर पसंद करें तो डालें, नहीं तो इसको ना डालें। हम इसको डालते हैं अजवाइन 25 ग्राम। और ये खसखस है 50 ग्राम। ये मिर्च पाउडर है जो कि बहुत बारीक नहीं है, इसको हम घर में बनाए हैं, जो कि दरदरा है, 25 ग्राम है मिर्च पाउडर। उसके अलावा ये काला नमक है जिसको हम बाद में स्वादानुसार डालेंगे, सफ़ेद नमक है। ये आमचूर है 100 ग्राम, ये हल्दी है 25 ग्राम, और ये 25 ग्राम तेल है रिफाइंड, और ये गुड़ है 100 ग्राम, 100 से 150 ग्राम। ये हींग है जो कि हम बनाते समय मिला के दिखाएंगे, तड़का देंगे। और ये हरी मिर्च है 5, और लगभग 50 ग्राम छिला हुआ लहसुन, और ये प्याज है 100 ग्राम, और थोड़ा सा कढ़ी पत्ता। तो मैं आपको सबसे पहले मसाला को भून के दिखा रही हूँ, यानी कि इसको पूरे मसाला को मैं भूनूंगी, उसके बाद मैं आपको आगे बता रही हूँ। तो इन मसालों को भूनना है, एक साथ हम भूंजेंगे इन मसालों को। ये धनिया 100 ग्राम, ये जीरा, ये जो मसाला मैं आपको बता रही हूँ ये आप पूरे साल तक इसको रख सकते हैं। इसमें सब सूखी चीज़ें हम डाल के दिखा रहे हैं। और ये अजवाइन है, ये मेथी है, और ये सब मसाले अगर आपको कम पसंद है तो थोड़ा डालिए, और ये अजवाइन है। अभी हम इतने मसाला भूंज के आपको दिखा रहे हैं। इसको उसी तरह से भूंजना है जैसे कि मैं आपको मिर्च मसाला में मसाला भून के दिखाई थी, या जैसे माताएं बहनें अचार के लिए मसाला भूनती हैं, बस उतना ही इसको भूनना है। तो आप इसको सावधानी पूर्वक देखें तो आपको इसको आसानी होगा बनाने में। हम उसको थोड़ा आँच को कम ज़्यादा करके भून सकते हैं, भूरा होने तक। इसको हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, ज़्यादा भूनेंगे तो ये भूरा से काला होने पर कड़वाहट तो आ जाएगा और अच्छा भी नहीं दिखेगा। फिर भी हम इसको भूरा होने तक भूनेंगे। और बाकी जो मैं प्याज और ये कढ़ी पत्ता वगैरह दिखाई हूँ, ये हम पूरे मसाले में नहीं मिलाएंगे। ये जो मसाला हम आपको सूखा बना के दिखाएंगे, आप ये 6 महीने से साल भर तक रख सकती हैं, ये ख़राब नहीं होगा। और आप ये मसाला उन समय में आप कर सकते हैं उपयोग, जैसे कि आपके पास कोई और सब्जी नहीं है तो आलू है, भिंडी है, कुछ भी। तो जैसे कि मसाला तैयार करने में जो टाइम लगता है, या कोई आप रसे वाली सब्जी बना रहे हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है मसाला तैयार करने में, तो ये मसाला आपको जब तैयार रहेगा तो आप फट से उसको सब्जियों में भर के और उसमें तेल डाल के तल देंगे, बस। बाकी आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और जो बच्चे स्कूल टिफिन वगैरह लेकर जाते हैं, ये जो मैं भरुआ मसाला बना के मतलब आपको दिखा रही हूँ, तो बच्चों को आलू ज़्यादा पसंद रहता है, हम इसको आलू में भी भर के बनाते हैं। और उसी प्रकार से भिंडी, भाटा और करेला, और इन सब में भर के बनाते हैं। जैसे भाटा आपके पास लंबा वाला नहीं है, गोला भाटा है, तो आप गोले भाटे को 4 टुकड़ा कर लीजिए और पहले सिर्फ तेल डाल के उसको फ्राई कर लीजिए, यानी कि आधा से ज़्यादा पक जाए तो ऊपर से इस मसाले को आप डाल देना। अभी तो मैं आपको सिर्फ बात करते करते बता रही हूँ, और आगे के समय में आपको मैं उसको बना के भी बता दूँगी, तो मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको। जैसे आलू आपके पास छोटी नहीं है, बड़ी है, तो ऐसे उसी प्रकार से आलू का भी लंबा लंबा टुकड़ा कर लीजिए और फिर आलू को आधे से ज़्यादा भून लीजिए सिर्फ तेल में,
और ऊपर से 2 चम्मच मसाला इसको डाल के थोड़ा सा 2 मिनट मध्यम आंच में और भून लीजिए। तो आप इसको जाड़े में हर समय खा सकते हैं और आपको बहुत ही आसान तरीके से सब्जी उपलब्ध हो जाएगी। जैसे मेहमान मान लो आपके यहाँ 2, 4, 6, 10 आ गए, तो ये जो आपको मैं सब्जी, ये सब घर में बनता है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रही हूँ तो आप पहले से नहीं जान रहे हो। तो ये क्या करते हैं माताएं बहनें, हम लोग भी पहले ऐसे करते थे। तुरंत ऐसे भरुआ मसाला बनाना है तो तुरंत हम धनिया वगैरह भूंज के और पीस के बनाते थे, स्टोर करके नहीं रखते थे। लेकिन हम आपको स्टोर करके रखना बता रहे हैं, आप फट से कोई भी मेहमान या कोई आया तो आप इसको सब्जी तैयार कर सकते हैं बहुत झटपट आसान तरीके से। कोई आपको मसाले की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। तो जैसे कि आँच ज़्यादा हो तो हल्का कम करके मध्यम आँच में इसको भूनते हैं। जितना ही हम मसाले को अच्छी तरीके से भूनेंगे और बनाएंगे उतना ही उसमें स्वाद बढ़ेगा। जैसे कि हम मिर्च मसाला बताए हैं बनाना, तो कई बहनें पूछी हैं उसका मात्रा कि कितना डालें का क्या है। मसाला हम भूज के बता दिए हैं और फिर 2 चम्मच या 4 चम्मच उसमें डाल के बताए हैं, तो आप स्वादानुसार मसाले को मिर्चा में डाल सकते हैं। वो मिर्च मसाला है ही, अगर उसमें आप ज़्यादा भी डाल दोगे तो कोई वो बुराई नहीं है। काहे कि उसको आप सब्जी में मिलाओगे या ऐसे रोटी से खाओगे जाड़ा में तो अच्छा ही आएगा, वो ख़राब नहीं होगा। तो ये मैं आपको भून के दिखा रही हूँ मसाले को। खाना बनाते समय और बाकी जो भी आप काम करें, जैसे मैं कई बार बताई हूँ पूजा करें तो बहुत एकाग्र होके, उसे खाना भी बनाएं तो एकाग्र होके मन लगा के तो अच्छे। अब जल्दी जल्दी बनाए तो कहीं कच्चा रह जाएगा, कहीं जल जाएगा, तो इन सब चीज़ों में बहुत ही एकाग्रता चाहिए। और आराम से बनाए तो खाना स्वादिष्ट और अच्छा बनता है। तो हो गया, ये मसाला भून गया है, ये देखिए ये मसाला भून गया है। 10 से 15 मिनट इसको हम रखेंगे ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे, और तुरंत पीसेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं पिसाएगा। तो इसको हम 10 से 15 मिनट ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो उसके बाद मैं जो बाकी मसाला है उसको मैं आपको भून के दिखा दे रही हूँ। इसको हम वापस थाली में निकाल लेते हैं। तो हम इसको 10 से 15 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर हम इसको पीसेंगे। और बाकी का मसाला मैं आपको भून के दिखा रही हूँ। बाकी थोड़ा सा जो खसखस वगैरह है उसको मैं भूंज रही हूँ, उसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, ये खसखस को, और हल्दी वगैरह इसमें हम भूनेंगे। इसमें हम कोई मसाला कच्चा नहीं डालते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम भूंज के ही डालेंगे। तो उसमें हींग भी अगर आपको पसंद है तो, क्योंकि ठंड है तो हम इसमें हींग भी डाल दे रहे हैं, हींग से स्वाद बढ़ता ही है। तो ये हींग है और ये खसखस के दाने हैं जिनको हम भूनेंगे ये भरुआ मसाला में, ये भी डालते हैं, इससे स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है। तो और आप इसको आराम से स्टोर करके जब भी आपको भरुआ कुछ सब्जी बनाना हो, करेला, भाटा, बैंगन और आलू, जो भी भरुआ भर के बनाते हैं, तो आप इसको रखे रहेंगे। ये हल्दी पाउडर है तो इसको भी हम भूनते हैं, ऐसे डालेंगे तो कच्चा रहेगा, अच्छा नहीं आएगा। हो गया, ये भून गया है। और ये जो मिर्ची पाउडर है इसको हम भूनते नहीं हैं, फिर भी थोड़ा सा मिला देते हैं इसमें हम, हल्का वो भी भून जाएगा। हम गैस को बंद कर दिए हैं अब, और ये भून चुका है। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो नहीं तो आप बोलेंगे कि कैसा बताते हैं। इसको हम अलग से भून लिए हैं और गैस को हम बंद कर दिए हैं, ये भुना गया है। बाकी हम जो मसाला भुने हैं, धनिया वगैरह और ये सौंफ, उसको अब ठंडा हो गया है तो हम उसको अब पीस लेते हैं। तो ये 10 से 15 मिनट हो गया है, ठंडा हो गया है ये, तो इस मसाले को हम पीस लेते हैं। ये पिस गया है मसाला,
तो इसको हम कढ़ाई है जो पहले से हल्दी खसखस और हींग और मिर्ची पाउडर थोड़ा सा, तो उसमें हम इसको मिला ले रहे हैं। इस मसाले को पूरा भुना मसाला, इसको भरुआ मसाला हम आपको बना के दिखा रहे हैं। आप इसको एक साल तक बना के रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। अब इसमें हम ये मसाले डाल दिए, ये आमचूर है, ये 100 ग्राम है, इसको डाल दिए, और ये गुड़ है, इसको भी हम डालते हैं स्वाद के लिए। जब आप भी इस भरुआ मसाला को बना के खाओगे तब आपको इसकी विशेषता पता लगेगी। ये गुड़ है, ये काला नमक है जो कि आप अपने स्वाद अनुसार मिला सकते हैं, और ये सफ़ेद नमक है, इसमें हम मिला दिए। इसको हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे, तो ये तैयार हो गया आपका भरुआ मसाला। जिस मसाले को आप पूरे 6 महीने से लेकर साल भर तक रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी किसी तरीके से ख़राब नहीं होता। इसको आप या तो शीशे के जार में रखिए, या सफ़ेद जो प्लास्टिक के आजकल डिब्बे आते हैं, पारदर्शी हैं जो दिखते रहते हैं आर पार, उसमें जो मोटा प्लास्टिक डालडा वगैरह का डिब्बा आता है उसमें मत रखना, और टीन के डिब्बे में मत रखना, क्योंकि इसमें नमक और आमचूर मिला हुआ है, तो ज़्यादा दिन तक आप टीन के डिब्बे में रखोगे तो वो फूट जाएगा और इसका स्वाद भी ख़राब हो जाएगा। तो आप प्लास्टिक के डिब्बे में रखिए इसको, और जब भी आपको भरुआ बनाना हो सब्जी, तो ये तो मैं आपको संग्रह करके मतलब स्टोर करके रखने के लिए बताई हूँ। ये आपका भरुआ मसाला तैयार है। ये प्याज है 100 ग्राम तक, जैसे कि आपको 5 लोगों के लिए भरुआ सब्जी बनाना है। ये लहसुन है 50 ग्राम और ये हरी मिर्च है, तो इसको हम थोड़ा सा पीस लेंगे। तो ये पीस गया है लहसुन और प्याज और मिर्ची का पेस्ट तैयार हो गया है, तो इसको मैं भूनूंगी उसी प्रकार से जैसे हम सब्जियों के लिए मसाला भूनते हैं, वैसा ही हम इसको भूनेंगे। ये हम इसमें तेल डालेंगे, जैसे कि हम सब्जी के लिए मसाला भूनते हैं उसी प्रकार से हम इसको भूनेंगे भूरा होते तक। और अगर आप बहुत जल्दी से बनाना चाहती हैं सब्जी, तो इससे आसान सब्जी और कोई है ही नहीं। कोई भी सब्जी फटाक से आप उसको धो के छील के और उसमें जीरा लगा के मसाला को भर के और फट से आप तेल में इसको फ्राई करके बना सकती हैं। ये कड़ी पत्ता है जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ, तो ये स्वाद को बढ़ाता है। जो ये मसाला मैं आपको बता रही हूँ अभी, ये तुरंत के लिए है। ये आप स्टोर करके नहीं रखोगे, ये मैं तुरंत के लिए, अगर आपके पास समय है तो, और आप अगर इस मसाले में जैसे कहते हैं कि किसी चीज़ में 4 चांद लगाना हो और आपके पास समय भी पर्याप्त हो तो ऐसा आप कर सकते हैं, और नहीं तो मैं आपको वो मसाला कंप्लीट तैयार मसाला बताई हूँ, उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये मैं उस मसाले में स्वाद बढ़ाने के लिए, अब इसको तुरंत खाने के लिए है, इसको उसमें मिला के रखना नहीं है। नहीं तो मसाला आप इसको कितना भी भूनोगे तो मसाला कुछ दिन में हो सकता है ख़राब होने लगे। तो ये लहसुन और प्याज का पेस्ट है जिसको हम कड़ी पत्ता का तड़का लगा के इसको भूने हैं, जैसे कि हम सब्जियों के लिए मसाला भूनते हैं, भून चुका है। तो ये जब हम तुरंत भरुआ मसाला तैयार करेंगे तो डालेंगे, अगर आपके पास समय है तो, और आप अगर समय नहीं है जल्दी से बनाना चाहती हैं तो आप वो सूखा मसाला में भी मतलब कि जैसे सूखा मसाला मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये भुरभुरा है, तो आप जब इसको मतलब इसको ना तैयार कर सकें तो इसमें थोड़ा सा दही मिला लें तो ये गीला हो जाएगा, फिर आप सब्जियों में भरें तो ये जो तेल में गिर के जलेगा नहीं मसाला, थोड़ा सा दही मिला के इसमें भर लें
लेकिन मैं आपको स्वाद बढ़ाने के लिए, जैसे देखिए आप 5 या 7 जन के लिए बनाएंगी सब्जी, तो ये देखिए मैं आपको तुरंत के लिए मसाला बता रही हूँ, ये बस इतना। और गैस को मैं बंद कर दी, उसके बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो हम इस मसाले में दही नहीं डालेंगे, क्या है कि ये मसाला खुद ही देखिए हम इसको मिला लिए तो ये गीला हो गया है, तो हम इसमें दही नहीं डालेंगे, क्या है कि इसमें ये गीला हो गया है और पहले से भी अमचूर डला हुआ है तो ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। उसमें हम दही डालने के लिए सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं, आप पानी से भी उसको गीला कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ कोई खट्टा नहीं खाता है तो आप उसको हल्का सा गुनगुना पानी से भी गीला कर सकते हैं। और करने के बाद फिर आप जो भी सब्जियों में भरना चाहें तो भर सकते हैं, इससे सब्जी का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप इसको ज़रूर बनाइए। और जाड़े में बहुत सारी सब्जियां ऐसे कि नेनुआ आता है जो कि कहीं कहीं उसको तरोई या दोड़का कहीं बोलते हैं, हरी सब्जी होती है, उसमें भी इसको भर के बना सकते हैं। थोड़ा वो पतला होना चाहिए, बड़ा होता है मोटा तो पानी छोड़ता है। तो जैसा कि मैं आपको दिखा दे रही हूँ, जैसे कि ये मसाला पूर्णतः तैयार है। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ, जैसे कि ये मसाला मैं आपको बताई हूँ कि इसको तैयार करके रखेंगे नहीं, पर इसको भी आप 15 दिन तक रख सकते हो, ठंड में 15 दिन तक खराब नहीं होगा, क्योंकि मैं प्याज को अच्छी तरीके से भूंज ली हूँ। और आप इसको गर्मी में भी 2-4-6 दिन रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत रखें तो स्वाद भी बिगड़ जाता है। और ये मसाला जो है, ये जो भुनी हूँ, ये आप 1 साल तक रख सकते हैं, भरते समय इसमें दही या हल्का गुनगुना पानी से गीला करके आप भर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा भर के दिखा रही हूँ। देखिए ये आलू है, मैं इसको छील के चीरा लगा के रखी हूँ, तो आप इसमें इसको ऐसे भरिए। और मैं सिर्फ आपको सिर्फ ऐसे भर के दिखाऊंगी, बना के नहीं दिखा रही हूँ। और इसको आप तेल में फ्राई कर लीजिए। जो बच्चे आपके यहाँ स्कूल जाते हैं वो बहुत इसको पसंद करेंगे। इसके साथ आप सिर्फ रोटी बना के उनको दे देना, पूड़ी और पराठा से इसको नहीं खाते हैं, इसको रोटी से अच्छा आता है, या तो दाल चावल से। आप इसको अपने घर में बनाइए और दाल चावल से भी परोसिए। इसी प्रकार से भिंडी है, जब भिंडी में आप भरे तो भिंडी में भरते समय ध्यान रखें कि जिस भिंडी में आप भर रहे हैं वो भिंडी एकदम नरम होनी चाहिए, थोड़ी भी कड़ा नहीं होनी चाहिए भिंडी। उसे लंबा वाला भाटा, करेला, करेला में भी बहुत स्वादिष्ट आएगा। आप इसको बना के देखिए और आप अपना अनुभव हमसे ज़रूर बांटना। आगे के एपिसोड में मैं आपको, जैसे कि कई बहन लोग बोली हैं आम का, आंवला का अचार और मुरब्बा बना के दिखाने के लिए, तो मुरब्बा काफ़ी मेहनती चीज़ होता है, काहे कि मैं उसको प्रयास करूँगी बनाने का, पर मैं आपको अगले एपिसोड में आंवला का अचार बना के दिखाऊँगी बेटियों को, बहनों के लिए, माताओं के लिए, आंवला का स्वादिष्ट और जाड़े में खाने के लिए अचार। तो जैसे कि ये देखिए, मैं आलू भर के इसको आप फ्राई कर लीजिए, बस हो गया, आपको कुछ नहीं करना है। उसी प्रकार से मान लीजिए आपके यहाँ छोटी आलू नहीं है, तो आपको आलू को 4 टुकड़ा कर लीजिए और आलू को सिर्फ तेल में फ्राई कर लीजिए और फिर ऊपर से इस मसाले को उतारते समय मिला लीजिए। उसी प्रकार से देखिए ये बैंगन है, थोड़ा इसमें बीजा दिख रहा है, बीजा वाला भाटा वैसे नहीं खाना चाहिए। ये बैगन है, इस बैगन ये गोला बैगन है, मैं पहले से काटी हूँ, तो इसको भी आप फ्राई कर लीजिए और फ्राई करने के बाद इसमें ऊपर से मसाला मिला के मात्र 2 मिनट ढक दीजिए, ये भी अच्छे स्वादिष्ट बनेगा। तो आप इसको बनाकर और खा कर देखिए। इस मसाले को भी आप 15 दिन तक रख सकते हो जाड़ों में, गर्मियों में आप तुरंत बनाएंगे तो ज़्यादा स्वाद आएगा। तो आप इसको बनाइए और जो बेटियां ससुराल गई हैं वो ज़रूर बनाएं, उनके सास ससुर ननद लोग बहुत खुश होंगे, तारीफ करेंगे। और आप अपना अनुभव बांटना, अगले एपिसोड में मैं आपको आंवला का अचार बनाना बताऊंगी। आप देखते रहिए आसान जिंदगी, और अपनी ज़िंदगी को भी आसान बनाइए। तब तक के लिए नमस्कार।